हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट नॉलेज। एंड आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ टाइम डोमेन एंड व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी डोमेन। मतलब कोई भी हमारा कोई भी सिग्नल होता है, तो अभी ले लेते हैं साइनोसोइडल सिग्नल है, तो उसको हम टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी सिग्नल हो, मतलब ऐसा नहीं साइनोसोइडल सिग्नल आप स्क्वायर वेव ले सकते हो और चौथुथ वेव ले सकते हो, तो वो सभी सिग्नल जो है उसको हम टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं और वो टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या है, तो वो कॉन्सेप्ट आज हम समझने वाले हैं। तो अभी फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ अ टाइम डोमेन। तो टाइम डोमेन क्या है, तो उसकी डेफिनेशन ये है कि टाइम डोमेन एनालिसिस गिव्स द सिग्नल बिहेवियर, मतलब जो सिग्नल का बिहेवियर है वो कैसा है, मतलब साइन वेव है और सोथूथ वेव है, स्क्वायर वेव है, बिहेवियर ओवर अ सर्टेन टाइम पीरियड। मतलब इधर आप फिगर में देख सकते हो, तो ये जो एम्पलीट्यूड दिखाया गया है और दूसरा क्या है, ये हमारा टाइम है। मतलब हम टाइम के रिस्पेक्ट में हमारे सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एनालिसिस कर रहे हैं कि हमारा सिग्नल कैसा है। तो आप ये फिगर में देख रहे हो कि हमारा जो सिग्नल है वो साइनोसोइडल है और साइनोसोइडल बिहेवियर है, उसमें कोई भी नॉइज़ नहीं है। मतलब आप देख सकते हो कि जब नॉइज़ आएगा तो हमारा कुछ ऐसा साइन वेव हो जाएगा, ये जो साइन वेव है वो नॉइज़ के साथ है। लेकिन ये जो अभी मैंने नॉइज़ दिखाया, मतलब सिग्नल दिखाया है, वो क्या है, वो प्योरली और यू कैन से विदाउट एनी नॉइज़ और विदाउट एनी हारमोनिक्स। हमारा सप्लाई में कोई भी हारमोनिक्स नहीं है, सिग्नल में कोई भी हारमोनिक्स नहीं है, तो ऐसा हमारा सिग्नल आ रहा है। मतलब ये एम्पलीट्यूड है और ये टाइम है, उसके रिस्पेक्ट में हमने दिखाया है। तो ये हमारा हो गया टाइम डोमेन एनालिसिस किया है हमने ये वाला। तो अभी आगे देखते हैं व्हाट इज़ अ फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तो अभी ये हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन है। द फ्रीक्वेंसी डोमेन मीन्स द एनालिसिस ऑफ अ सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। मतलब जो भी हम सिग्नल को अभी एनालिसिस कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो अभी ये जो टाइम डोमेन है, ये वाली जो फिगर है वो टाइम डोमेन की फिगर है, और ये जो वाली फिगर है, ये जो सेकंड फिगर है, वो हमारी फ्रीक्वेंसी डोमेन है। तो टाइम डोमेन में हम एम्पलीट्यूड और टाइम के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ बनाते हैं वही है, हमने ऑलरेडी आगे देखा। तो ये जो साइन वेव है, ये आप देख रहे हो, ये जो साइन वेव है वो टाइम डोमेन में, अभी उसको मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हो कि ये जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब फ्रीक्वेंसी आप टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हो, टी इज इक्वल टू 1/f, ऐसा आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी को। तो अभी ये जो इसका टाइम पीरियड देखे, इतना हमारा टाइम पीरियड है टी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, एफ इज इक्वल टू 1/t, इतनी फ्रीक्वेंसी आएगी। तो ले लेते हैं इसको T1 ले लेते हैं, तो ये हमारा T1 है, तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी आएगी F1, तो ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हमारी F1 है। उसी सेम ये जो छोटा वाला साइन वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका टाइम पीरियड कम है। आप देख सकते हो कि जो T2 है वो बहुत कम है, T2, तो T2 इज इक्वल टू 1/F2, ऐसा आप बोल सकते हो। जो F2 आएगा वो क्या आएगा, F2 इज इक्वल टू 1/T2। अभी जो T2 कम है तो उसका इन्वर्स ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जो ये कम है तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो F2 आया वो हमारा ज़्यादा आया F1 से, क्योंकि F1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मतलब T1 जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा है, और T2 का टाइम पीरियड जो ये वाला दिखाया है अंदर वाला जो छोटा वाला साइन वेव है वो, उसका टाइम पीरियड क्या है, T2 है। तो इसके कारण हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ रही है। ऐसे हम टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन दोनों को इंटर रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बड़ा वाला साइन वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। आप देख सकते हो एम्पलीट्यूड, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। इधर ले लेते हैं तो ये 50 है और उसका एम्पलीट्यूड कुछ इतना है, और सेम ये F2 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 100 है लेकिन उसका एम्पलीट्यूड कम है। आप देख सकते हो कि इधर कितना एम्पलीट्यूड है, उतना ही एम्पलीट्यूड है, मतलब इधर से इधर जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है इधर। अभी हम आगे देखते हैं, थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर करते हैं। तो अभी ये एक विजुअल पिक्चर मैंने ली है, उसमें से आप देख सकते हो कि जब भी ये जो व्यक्ति है वो किधर से देख रहा है, इधर से देख रहा है, तो जब वो इधर से देखेगा तो उसको ये पूरा साइन वेव दिखेगा। मतलब ये क्या है, टाइम और एम्पलीट्यूड, मतलब वो क्या इधर से देख रहा है, मतलब वो टाइम डोमेन में देख रहा है, आप ऐसा बोल सकते हो। उसको क्या दिखाई देगा, उसको ऐसा दिखाई देगा, वेव फॉर्म दिखाई देगा, साइनोसोइडल वेव फॉर्म दिखाई देगा,
जब भी हम कहाँ से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, तो वो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये देख रहा है वो अभी टाइम डोमेन में देख रहा है कोई भी सिग्नल को। लेकिन जब इधर से देख रहे हैं तो हमको क्या दिखेगा, मतलब अभी आप इधर से देख रहे हो, इधर की साइड से देख रहे हो, इधर से तो पूरा सिग्नल दिखेगा ही नहीं आपको, मतलब पूरी एक लाइन ही दिखेगी। और इसमें तो नॉइज़ भी नहीं है, पूरा साइन वेव है, तो आपको सिर्फ एक लाइन। अभी आगे हमने देखा जो हमारा कैसा आ रहा था, फ्रीक्वेंसी आ रहा था, कुछ ऐसा आ रहा था, और उसका मैग्नीट्यूड, और आप बोल सकते हो एम्पलीट्यूड इतना था, इतना हमारा एम्पलीट्यूड था, वाई एक्सिस पे हमारा एम्पलीट्यूड था और एक्स एक्सिस पे हमारी फ्रीक्वेंसी F1 थी जो हमने 50 हर्ट्ज़ ली थी। तो हम जब यहाँ से देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में से देख रहे हैं, तो हमको सिर्फ ऐसा सिग्नल मिलेगा और इसको हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन। और जब इधर से देखेंगे तो पूरा साइन वेव दिखेगा, वो हमारा टाइम डोमेन। तो ये दोनों विजुअली हम देख सकते हैं, और विजुअली हमने कंपेयर किया कि टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन होता क्या है। अभी आगे उसका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो अभी आप जो फ्रीक्वेंसी डोमेन वाली स्लाइड को परफेक्टली समझे होगे ना, तो ये आपको इजीली समझ ही आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। कंसीडर अ टू सिग्नल विथ 1 kHz एंड 2 kHz फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 kHz है, और दूसरा जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 kHz है। बोथ ऑफ देम आर रिप्रेजेंटिंग इन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन एज शोन इन द फिगर फॉलोइंग, मतलब दोनों को हमने टाइम डोमेन में भी रिप्रेजेंट किया है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी रिप्रेजेंट किया है। तो टाइम डोमेन में आप देख सकते हो कि वो साइनसोइडल है, उसका टाइम पीरियड टी है, मतलब टी इज इक्वल टू 1/f, मतलब टी ज़्यादा है किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर है। इसका टी कितना है, इतना ही है टी, इससे हाफ है, इससे हाफ है। तो जो ये T1 ले लेते हैं, तो इतना जो मैंने रेड लाइन से दिखाया है वो हमारा T2 कंपेयर कर लेते। तो जो T1 इज इक्वल टू 1/f1, सेम मैंने एक्सप्लेन किया, जो T1 ज़्यादा है तो F1 कम आएगा। तो F1 आप देख रहे हो वो 1 kHz आ रहा है, और ये जो एम्पलीट्यूड है वो इतना है। सेम अभी आप T2 देख रहे हो, T2 इज इक्वल टू 1/F2, तो अभी T2 कम है तो F2 ज़्यादा आएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा आएगी, तो वो क्या ज़्यादा है, 2 kHz। अब देख सकते हो इसका टाइम पीरियड ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम आई, इसका टाइम पीरियड कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आई। तो ऐसे हम दोनों को रिप्रेजेंट किया है। अभी आगे आगे की स्लाइड देखते हैं। तो ये भी साइन वेव है, और टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन दोनों में रिप्रेजेंट किया है। तो इधर आप देख सकते हो कि टाइम पीरियड ज़्यादा है, मतलब इधर से इधर ज़्यादा टाइम पीरियड है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम है। अभी इसका टाइम पीरियड इधर से देखे तो इधर से इधर ये टाइम पीरियड कम हो गया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3 टाइम्स हो गई। अभी फिर से देखते हैं इधर से इधर, 2 साइकिल, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू साइकिल पर सेकंड। तो ये जो आया, एक साइकिल बना, वो हमारा टाइम पीरियड होगा टी, ये जो मैंने रेड लाइन से ड्रॉ किया है वो ये वाला, तो इसका टाइम पीरियड टी आया, मतलब अभी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 5 टाइम हो गई। ये जो फ्रीक्वेंसी है उससे 5 टाइम हो गई, क्योंकि हमारा जो टी है वो कम होता जा रहा है। पहले T1 था, उसके बाद T2 हो गया, T2 मतलब इतना इतना हुआ, और उसके बाद T3 हो गया। तो ये जो T3 वाली कंडीशन थी उसमें क्या हुआ, जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या हो गई, 5 टाइम्स हो गई, मतलब फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज हो रही है। और उसके साथ आप मैग्नीट्यूड भी देख सकते हो कि कैसा रह रहा है हमारा मैग्नीट्यूड, हाँ इधर सेम है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। अभी आगे की फिगर देखते हैं। नाउ हाउ वी कैन गेट टाइम डोमेन ग्राफ, तो अभी हम कैसे टाइम डोमेन ग्राफ को, हाउ वी कैन गेट, मतलब जो टाइम डोमेन ग्राफ मैंने जो साइनसोइडल दिखा दिया था, तो वो हम कैसे मिल सकता है हमको ग्राफ। तो उसके लिए द बेसिक टूल्स फॉर एनालाइजिंग द सिग्नल, एनालाइजिंग द सिग्नल इन टाइम डोमेन इज कॉल्ड ऑसिलोस्कोप। ये रहा हमारा ऑसिलोस्कोप है, एंड ऑसिलोस्कोप डिस्प्ले अ 2-डाइमेंशनल ग्राफ, मतलब एक्स और वाई दिखाएगा, ऑफ अ सिग्नल्स मैग्नीट्यूड इन वाई एक्सिस, मतलब आपने देख लिया था मैग्नीट्यूड, इधर में एम्पलीट्यूड दिखा था, तो आप मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो। तो मैग्नीट्यूड हमारा वाई एक्सिस पे है, और टाइम इन एक्स एक्सिस पर, मतलब इधर जो आएगा एक्स एक्सिस पे वो हमारा क्या आएगा, टाइम आएगा, और जो वाई एक्सिस पे आएगा वो हमारा मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। तो ये जो क्या है, ये आपने लैब में देखा होगा, और आप इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग में से बिलोंग करते हो, तो आपने लैब में इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी किए ही होंगे।
तो ये जो हमारा ऑसिलोस्कोप है तो वो ऐसा दिखाई दे रहा है, उसकी स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है उसको जूम किया है तो कुछ ऐसे दिखाई दे रही है, ये जो साइन वेव दिखाई दे रहा है। और जैसा आप सिग्नल देते हो वैसा वेव आपको डिस्प्ले ऊपर आएगा, मतलब सोटूथ वेव आएगा, स्क्वायर वेव आएगा, उसके हिसाब से स्क्रीन पे, सिग्नल के हिसाब से आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो अभी ये तो हमने दिखा दिया कि हमने कैसे ये ग्राफ मिला, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑसिलोस्कोप का यूज़ करते हैं टू गेट टाइम डोमेन ग्राफ। अभी हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ। नाउ फॉर फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ, व्हेन यू डू अ मेजरमेंट ऑफ अ सिग्नल फ्रीक्वेंसी देन यू आर सेड टू बी एनालाइज द सिग्नल इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। मतलब जब भी आप फ्रीक्वेंसी मेजर करते हो कोई भी सिग्नल की, उसको क्या मतलब क्या होता है, वो एनालाइज द सिग्नल इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल को एनालाइज कर रहे हो, उसका मतलब ऐसा होता है। फॉर दिस बेटर टूल्स आर, और ये फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करने के लिए जो बेटर टूल आता है वो क्या आता है, स्पेक्ट्रम एनालाइजर। ये जो दिखाया है वो क्या है, स्पेक्ट्रम एनालाइजर है। और स्पेक्ट्रम एनालाइजर डिस्प्ले अ टू डायमेंशनल ग्राफ, मतलब टू डायमेंशनल मतलब एक्स और वाई, थ्री डायमेंशनल नहीं, ओनली टू डायमेंशनल ग्राफ ही दिखाएगा एक्स और वाई, और उसकी ज़रूरत है, थ्री डायमेंशनल की ज़रूरत भी नहीं है। और थ्री डायमेंशनल की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब हम उसको मतलब थ्री डायमेंशनल ग्राफ चाहिए आपको तो आप मैटलैब का यूज़ कर सकते हो। और स्पेक्ट्रम एनालाइजर डिस्प्ले अ टू डायमेंशनल ग्राफ ऑफ अ सिग्नल्स पावर इन वाई एक्सिस एंड द सिग्नल फ्रिक्वेंसी इन एक्स एक्सिस। मतलब जो वाई एक्सिस पे दिखाया है वो मैग्नीट्यूड दिखाया है, एम्पलीट्यूड आप बोल सकते हो और मैग्नीट्यूड बोल सकते हो सिग्नल का, और जो एक्स एक्सिस पे दिखाया है वो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दिखाई है, मतलब इधर फ्रीक्वेंसी आएगी और इधर जो आएगा वो क्या आएगा, हमारा मैग्नीट्यूड बोल सकते हो आप, मैग्नीट्यूड आएगा। सच अ ग्राफ इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ अ सिग्नल। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो ग्राफ आया डिस्प्ले ऊपर उसको फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ सिग्नल भी बोलते हैं। तो इसके लिए जो हमने टाइम डोमेन में टाइम डोमेन का ग्राफ देखा था, तो वो हम कैसे मिल सकता है, वो हम ऑसिलोस्कोप का यूज़ करके भी मिल सकता है। और जो फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ है उसको हम, और फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ को कैसे मिल सकता है हमें, तो उसके लिए हमको स्पेक्ट्रम एनालाइजर का यूज़ करना रहता है। नाउ व्हेन द सिग्नल कंटेन नॉइज एंड हारमोनिक्स देन हाउ द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन्स लुक्स लाइक। मतलब जब भी हमारा कोई भी सिग्नल है उसमें क्या है, ये जो दिखाया है वो हार्मोनिक्स है, तो ये हमारा टाइम डोमेन ग्राफ है और ये हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ है। तो जब भी हमको इम्प्लीमेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो कुछ ऐसा दिखेगा हमें, ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ, ये हमारा सिग्नल है, कैसा है, कंटेन नॉइज़ एंड हारमोनिक्स। ये जो सिग्नल है उसमें नॉइज़ भी है और हारमोनिक्स भी है, तो उसके कारण जो हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ आया वो कुछ ऐसा मिलेगा। मतलब जो हम सिंपल ऐसा दिखा देते हैं एक लाइन से, मतलब ये जो साइन वेव है विदाउट एनी नॉइज़ और हारमोनिक्स, तो उसका फ्रीक्वेंसी हमें कुछ ऐसा मिलता था। लेकिन जब हमारा एक्चुअल सिग्नल में हारमोनिक्स और नॉइज़ होता है तो वो कुछ ऐसा हमको दिखाता है फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ। तो अभी एक्चुअल में कैसा दिखाता है, ये तो हमने ग्राफ पे दिखाया है ये फिगर, लेकिन एक्चुअल डिस्प्ले में स्पेक्ट्रम एनालाइजर की डिस्प्ले में कैसा दिखाता है, तो वो ये अगली अगली स्लाइड में है, तो वो आप इधर देख सकते हो कि कैसा दिखाई दे रहा है। जो हमारा थर्ड हार्मोनिक दिखाया है, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवन्थ हार्मोनिक, और ये जो फंडामेंटल 1 किलोहर्ट्ज़ है, तो ये जो मेन है फंडामेंटल 1 किलोहर्ट्ज़, इधर आप देख सकते हो ये जो हमारा फेन फंडामेंटल 1 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल है, लेकिन उसके साथ हार्मोनिक्स भी आ रहे हैं ये वाले, ये जो आ रहा है वो थर्ड हार्मोनिक्स भी आ रहे हैं, फिफ्थ हार्मोनिक्स भी आ रहे हैं, और सेवन हार्मोनिक भी आ रहा है। मतलब जो हमारा एक ही सिग्नल दिखाई दे रहा था उसके साथ कुछ दूसरे सिग्नल भी आ रहे हैं। तो ये जो हमारा हुआ वो हमारा कैसा सिग्नल है, ये हमारा कंटेन नॉइज़, ये जो नॉइज़ और हार्मोनिक्स कंटेन करता है वो वाला सिग्नल का ग्राफ है स्पेक्ट्रम एनालाइजर की स्क्रीन के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी जस्ट कॉमेंट इट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इनफाइनाइट नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी जस्ट कॉमेंट इट।